अल्ट्रासाउंड कराना कितना जरूरी है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड ही ऐसा जरिया है जिससे हमें पता चलता है कि कोख में पल रहे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट सही से हो रही है या नहीं, क्योंकि बच्चा जन्म से पहले यही एक जरिया है बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट जानने का। तो आपने ऐसे ही अल्ट्रासाउंड की होगी 18 वीक्स के बाद, तो वहां पर आपने कुछ पैरामीटर्स देखे होंगे और बेबी के मेजरमेंट्स भी देखे होंगे। हालांकि डॉक्टर हमको ये डिटेल में नहीं बताते, पर आज मैं आपको बता रही हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखे। आज इस पैरामीटर की हम बात कर रहे हैं वो है बीपीडी। बीपीडी मतलब बाय पैरेटल डायमीटर। यहाँ पर बेबी की सर की गोलाई का माप लिया जाता है, पर यहाँ पर बीपीडी में बेबी के एक ईयर मतलब लेफ्ट ईयर से सामने की ओर राइट ईयर तक जो मेजरमेंट आता है उसे बाय पैरेटल डायमीटर कहते हैं। और वीक बाय वीक बेबी का बीपीडी कितना होना चाहिए ये आप इस चार्ट थ्रू देख सकते हो। यहाँ पर 12 वीक से लेकर 40 वीक तक बेबी का बीपीडी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि वीक बाय वीक बेबी का बीपीडी कितना होना चाहिए। और हाँ फ्रेंड, इससे रिलेटेड आप में आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो